हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल की आंसर की के ऊपर बात करने वाले हैं। आंसर की बताने वाले हैं आपको किस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है, एकदम 100% सही। देखिए, इससे पहले हम मैथ का और हिंदी का पार्ट अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान और बोध का जो मेंटल एबिलिटी है उसका भी पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। 76 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण सन 1971 में हुआ था। किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। और देखिए, ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं एकदम गूगल से ट्रांसलेट करके मैच करके पूरा का पूरा एक्सपर्ट के द्वारा सॉल्व करने के बाद बताए जा रहे हैं, ठीक है। 77 क्वेश्चन देखिए, उचित विकल्प चुनिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। किसमें है भैया? 1945 ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। 78 देखेंगे, मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान कीजिए। मस्तिष्क से संबंधित रोग जो है मेनन जस्टिस, यही वाला ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 देखेंगे, गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, कारण वह देश में समृद्ध है। किसमें समृद्ध है भाई साहब? 79 का सही उत्तर हो जाएगा ये नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 80 में है, दिल्ली एशियन गेम्स 1982 के स्मारक पर किस प्राणी को निरूपित किया गया था? तो ये सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हाथी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। 81 निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमरता के कारण सूखा रोग हो जाता है? तो सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर बी में विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी वाला, ये ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सभी को पता है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी पेपर आया, ठीक है। तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे बात करते हैं 83 का, उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निर्देशक और भौतिकाल के प्रधायापक थे। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, ये वाला होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। आगे 84 हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, हमें भी नहीं दिख रहा है, पर आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और अपना आंसर मिलाइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिटेल सॉल्यूशन हमारे चैनल पर कल आने वाला है, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार एक बार, है ना, आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आगे हमारा है एक खेल जिसमें लोग बोर्ड के साथ छोटे पहियों का प्रयोग करते हैं, क्या? स्केटिंग, ऑप्शन नंबर ये वाला, वो बर्फ पे जब होते हैं ना तो छोटे छोटे पहियों का प्रयोग करते हैं। 85 देखिए, वह पुरस्कार कमल पदक से जाना जाता है, वह पुरस्कार कमल पदक से जाना जाता है और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। तो ये कौन सा है? अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये अशोक चक्र मतलब बहुत सारे लोगों को मिल भी चुका है। 86 हमारा क्वेश्चन है, डैश 2007 से पद्म विभूषण जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? कौन था भाई साहब? सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ आनंद, ये हमारे 2007 में पद्म विभूषण जीतने वाले खिलाड़ी थे, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है, विश्वनाथ आनंद। आगे बात करते हैं 87, उचित पर्याय चुनिए और वाक्य की पूर्ति कीजिए। सीधे क्रम में पर्वतों को डैश कहा जाता है, श्रृंखला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी 125 क्वेश्चन है सभी का निचोड़ करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर वो भी है, मैथ का है, हिंदी का, जाके देखो यार, और उनको भी देखो जाकर और इसको भी लाइक करो, ठीक है। 88 क्वेश्चन है हमारा, यहां पर कह रहा है उचित पर्याप्त चुनिए। पानी को सार्वजनिक द्रवक कहते हैं, कारण है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि ये जो पानी है ये अनेक वस्तुओं को घोल सकता है, ये ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, समय में निरूपित हो जाता है, सभी को अपने रूप में बदल लेता है, ये वाला डी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। 89 क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर लिखा है, बिना पानी के दीर्घकाल तक मरुस्थल से जीवित रहने वाला प्राणी है? मरुस्थल में मतलब हाथी, ऊंट, ऑप्शन नंबर डी वाला ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। एकमात्र प्रजाति जिनमें नर भगनों को जन्म देते हैं, नर बच्चों को जन्म देते हैं, प्रजाति जिनमें नर बच्चों को जन्म देते हैं, नर मतलब आप समझ रहे हैं, नर मतलब जो आप कह सकते हैं एक जानवरी भाषा में आदमी लोग कह सकते हैं, वो नर मतलब जन्म देते हैं। तो 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, किसमें दे रखा है? समुद्री घोड़ा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। बिना पानी के ये वाला हमने बता दिया कि ऊंट होगा, इसका समुद्री घोड़ा होगा। उसके बाद यहाँ पर है, सिंगलीज छाम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो किस राज्य से संबंधित है, ये असम में हो जाता है। असम किस में दे रखा है? ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है जी। 92 क्वेश्चन है, वाहन की गति मापने के लिए उपयोग लाने वाला साधन है, वाहन की गति को किस साधन द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका, क्या है? स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बड़ा ही ईजी पेपर आया बच्चों, सभी ने एकदम धुआंधार तरीके से किया होगा, ठीक है। 93 क्वेश्चन करते हैं, उचित विकल्प चुनिए। डैश सबसे लंबी तेजी से ठीक हाथे वाला शरीर का अंग है, तो क्या है? ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हमें, पर इसका राइट आंसर क्या है? यकृत, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अयोध्या किस नदी का तट पर स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, अयोध्या सरयू नदी के स्थित है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सरयू नदी वाला। आगे बात करते हैं, उचित विकल्प चुनिए। 95
संजना को ज्ञात हो गया कैसे, ये वाला क्वेश्चन है। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ये सूर्य प्रकाश बीज के पत्तों को संग्रहित कर देता है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है भाई साहब, सभी को पता होना चाहिए कौन करता है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री से बड़े कौन होते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। कोलकाता डैश नदी के किनारे है हुगली नदी, ऑप्शन नंबर 97 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे बात करते हैं, उचित विकल्प चुनिए। वह स्थान ग्वालियर में स्थित है, वह ग्वालियर के महाराजा जयरीज सिद्धिया द्वारा, तो ये वाला 98 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी वाला, किसमें दे रखा है, जय विलास महल, ये ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। ये किसका है, 98 का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जय विलास वाला ये वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं, 99 राम रबाई जी श्री राम ने सीता से विवाह किस स्थान पर किया था, श्री राम रामायण में श्री राम ने सीता से विवाह किस स्थान पर किया था, तो वो कौन सा स्थान था, सभी को पता है कि वो जनकपुर था, ये वाला ऑलराइट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। 100वां क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद 25 क्वेश्चन हो रहे हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं नवोदय वो सॉरी सैनिक स्कूल के क्लास 6 के पेपर में। 100वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं फाइनली। यार दोस्तों लाइक कर दो यार वीडियो को एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। यहां पर है, डैश अपना भोजन मूलों से संचालित करते हैं, ये शकरकंद, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 क्वेश्चन देखेंगे, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए, यहां क्या है, बुद्धिमत्ता आ गया, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी बोल दो, एप्टीट्यूड बोल दो, ठीक है, रीजनिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये कह रहे हैं अनुपस्थित संख्या को ज्ञात कीजिए। 101 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए वाला, 352 वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 क्वेश्चन देखेंगे, अनुपस्थित संख्या को ज्ञात करें, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 153 वाला बिल्कुल सही उत्तर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, देखिए जितने भी क्वेश्चन यहां पर करवाए जा रहे हैं एकदम 100% सही और सटीक है। ठीक है, 103 का राइट आंसर हो जाएगा, QTQTW, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, 104वां क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं, समरूपता पूर्ण करें, पुस्तक लेखक पकवान कौन बनाता है, हलवाई ये पकवान कौन बनाता है, 105 का ऑप्शन नंबर ये बावर्ची, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे 106वां क्वेश्चन है, समरूपता पूर्ण करें, यहां पर बाढ़ सूखा प्रतिभाशाली का, ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये कौन सा दे रखा है बच्चों, मूर्ख। ठीक है, ये प्रतिभाशाली बहुत चालाक होता है, यहाँ पर बड़ा तेज होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मूर्ख, इसका भाव इससे ही है। ठीक है, 107वां क्वेश्चन देखेंगे, पहली जोड़ी का संबंध ये वाला ये पर दे रखा है, ADEFGFGKNO है ना, 107 का आप मिला, 107 का मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, PQT बिल्कुल इसका सही उत्तर है बच्चों, जल्दी जल्दी मिला लो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो। 106वां क्वेश्चन देखेंगे, 108वां समरूपता पूर्ण करें, तो यहाँ पर है खांसी गला और अस्थमा ये किस में होता है, मतलब खांसी होती है गले में, अस्थमा किस में होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ों में होता है अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बात करते हैं, 109वां क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, ये 109वां क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया, टेढ़ा हो गया, पर मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, ये वाला मिला लो आप, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 110वां क्वेश्चन देखेंगे, 110 क्वेश्चन का भी आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 111वां देखेंगे बच्चों, 111वें का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, किसमें दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, 112वां क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं, इसका भी आंसर डी होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी ये वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं, 113वां क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काफी जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहे हैं और बोल भी रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आप आंसर की मिला पाओ। ठीक है, लाइक कर दो यार एक बार, है ना, डिटेल सॉल्यूशन हमारे विद्यागान पाठशाला चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, उस पर भी वीडियो अपलोड किया जाए, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, 113वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के नीचे से ऊपर की तरह के क्रम में रचना कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बात करते हैं, सॉरी यहां पर कौन सा है, यहां पर ऑप्शन अलग से दिए गए, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से योग्य विकल्प चुनिए, यहां पर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला। ओके ओके बच्चों, आगे बात करते हैं, 114वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों की रचना शब्दकोश के क्रम अनुसार कीजिए, 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला परवियस। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए परवियस की स्पेलिंग तो आप सभी को पता होना चाहिए, परवियस की स्पेलिंग क्या है, PREVIOUS, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है, परवियस बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 115वां ये किसमें दे रखा है, परवियस वाला किसमें दे रखा है भाई साहब, ये दे रखा है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन था, 114वां था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही उत्तर है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, नीचे दिए गए शब्दों की रचना तर्क अनुक्रम में कीजिए, 115 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला किसमें दे रखा है, वाष्पीकरण, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल जल्दी जल्दी मिला लो। देखो यहां पर 115 का ये अलग से ऑप्शन दिए गए, यहां पर देखिए यहां पर इनमें से चुनना है हमको, तो इनमें से चुनेंगे 115 का क्या आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, ये DEVCA ये वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो यार, सबसे पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 116वां क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी, 5374 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है, जल में ये किस तरह से देखेगी, क्या है 5300
74 किस तरह से दिखेगी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी मिला लो, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। 117वां देखेंगे, क्या कह रहे हैं, समरूपता पूर्ण करें, 117वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा ये वाला, ठीक है, 49 हो जाएगा, 49 बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे बात करते हैं कौन सा 118वां क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी यार लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां पर 118वें का प्रथमी बिल्कुल विषम ज्ञात करें, देखिए नारंगी ये ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 118वें का विषम ज्ञात करने वाला, ठीक है, ये पृथ्वी इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 119वें देखेंगे विषम ज्ञात करें, इसमें भी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 81 वाला, 81 आपका एकदम अलग है, ठीक है। आगे बात करते हैं 120, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचे हैं यार, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, यहां पर विषम ज्ञात करो, पुस्तक पेंसिल रबर, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये देखिए ये पढ़ाई से रिलेटेड है, ये भी पढ़ाई से रिलेटेड है, पर कंप्यूटर अलग चीज है, ये कंप्यूटर मशीन है, ठीक है। आगे बात करते हैं 121वां विषम ज्ञात करें, इसका बहुत सारे बच्चों ने गलत करके यहां पर, मैं इसका सही आंसर बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बात करते हैं 122वां विषम ज्ञात करें, कानपुर विजयवाड़ा गंगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर टी इसका किसका, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा 122वां, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा, ठीक है, ये गंगा वाला ऑप्शन नंबर सी बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। आगे बात करते हैं विषम ज्ञात करें, 123वां किसका सही होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बांसुरी, देखो क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जितने भी यहां पर चीज है, इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, ये क्या है, वह इलेक्ट्रॉनिक सितार, ये हाथों से बजाया जा रहा है, हाथों के द्वारा, और ये बांसुरी मुंह से बजाई जाती है, तो अलग कौन सा, ऑप्शन नंबर डी ये विषम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। जल्दी लाइक कर दो यार, आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसका भी आंसर देख लेते हैं, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर आने वाले हैं, अपने लिए आप सब्सक्राइब कर लो। 124 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला 31वां बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट वाला देखेंगे 125 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दो इससे पहले, देखने से पहले, ठीक है, सभी क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर बी इसका 125 का लास्ट हो जाएगा। 37 किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। हमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा दिया हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, क्लास 6 का ये पेपर था और क्लास 9th का भी अभी वीडियो अपलोड होने वाला है, 9th का भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होगा। क्लास 6 वाले बच्चे जितने भी बच्चे पेपर देखे हैं, एक बार यार मिला के मुझे बता दो कितना आपका सही जा रहा है, और एकदम जो भी हमने आंसर बताए 100% सटीक बताएं, ठीक है, भूल चूक में कोई एक आध तो गलती हो गई होगी, बाकी जितने भी हमने आंसर बताए सबसे पहले सबसे सटीक आपको आंसर बताएं, इतना जल्दी कोई सॉल्व नहीं करवाता, लोग 3-3, 4-4 घंटे में पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं लाइव, पर आपको देखिए जहां पर आपको हमने एक घंटे से भी कम में आपने पूरा का पूरा 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 पेपर क्लास 6 का सॉल्व करवा दिया। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, डिटेल सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद्याज्ञान पाठशाला को, और इस चैनल पर भी डिटेल सॉल्यूशन आएगा और हमारे विद्याज्ञान पाठशाला चैनल पर भी आएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी अपना आंसर की मिला सके। और मैं आपको बता दूं, देखिए मैथ का और हिंदी का आंसर की हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और इस वीडियो में हमने दो सब्जेक्ट का आंसर की कवर कर लिया, देखिए ये मेंटल एबिलिटी का भी कर लिया, हमने सामान्य ज्ञान का भी कर लिया, जीके का भी, तो इसमें हमने जीके का कर लिया, और दो हमारे जो वीडियो है मैथ और हिंदी के अलग अलग अपलोडेड है हमारे चैनल पर, जाके आप देखिए, जल्दी से वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।